Hello friends, welcome to Study Go with DIRECTIVE. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे इजीली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डीपीएसपी, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम पूरे आर्टिकल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे। की अमेंडमेंट्स जो हुए हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उनको भी डिस्कस करेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखना होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 यानी कि आयरलैंड का जो संविधान है 1937 का, वहां से बोरो किए गए हैं, वहां से लिए गए हैं। और आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहां से लिया गया है, हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पैनिश कॉन्स्टिट्यूशन। स्पैनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉपी किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये नोवल फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को तैयार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, साउल है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और जो फंडामेंटल राइट है ये दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का आत्मा है, अंतरकरण है, विवेक है। सर बी एन राव यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इट मींस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इन्होंने रिकमेंड किया कि जो भी इंडिविजुअल्स के राइट होते हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। पहली कैटेगरी होगी जस्टिएबल, दूसरी कैटेगरी होगी नॉन जस्टिएबल। जस्टिएबल यानी कि ऐसे अधिकार जिनका अगर उल्लंघन हो रहा है तो उनके लिए रेमेडी प्राप्त करने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन नॉन जस्टिसिएबल के केस में ये होता है कि हम उन राइट को लागू कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर हमारे राइट का उल्लंघन हो रहा है तो अगर वो नॉन जस्टिएबल हैं तो हम कोर्ट में जाकर जस्टिस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी, अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। कंसिक्वेंटली द फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिएबल इन नेचर आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट थर्ड एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच आर नॉन जस्टिएबल इन नेचर आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए, जस्टिसिएबल हो गए, क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उनके लिए रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे इनकॉर्पोरेटेड किए गए हैं पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, क्योंकि अगर इनका उल्लंघन होता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो हम इनको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और इनको इनकॉर्पोरेटेड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो हमारा आर्टिकल 37 ये क्लियर करता है कि जो हमारे देश की गवर्नेंस है, यानी कि गवर्नेंस बोले तो देश का शासन जो है उसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उसके फंडामेंटल सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है ये। इसलिए स्टेट की ये ड्यूटी है कि जो भी वो लॉ बना रही है वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए उन लॉ को बनाए, यानी कि इन डायरेक्शंस को देखते हुए लॉस को बनाया जाए। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें जो भी टर्म्स यूज की गई इसका मतलब क्या है। वी नीड टू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इन चारों वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ये क्या सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट डायरेक्ट द स्टेट व्हेन इट मेक्स पॉलिसीज फॉर इट्स पीपल। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है,
These are the principles that direct the state when it makes policies for its people. यानी कि जब स्टेट अपने लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाती है तब ये प्रिंसिपल स्टेट को डायरेक्ट करते हैं उन पॉलिसीज का निर्माण करने के लिए. यानी कि ये क्या है, ये डायरेक्शन है कि अगर स्टेट कोई लॉ बना रही है, अपने लोगों के लिए कोई लॉ बना रही है, तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स को देखते हुए, इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए उन पॉलिसीज, उन लॉज को बनाए. दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द स्टेट एंड आर नीडेड टू बी टेकन इंटू कंसिडरेशन वाइल कमिंग अप विद एनी न्यू लॉ, बट अ सिटीजन कैन नॉट कंपेल द स्टेट टू फॉलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, क्या है, गाइडलाइन है फॉर द स्टेट. स्टेट के लिए गाइडलाइन है कि जब भी कोई लॉ वगैरह वो बना रही है तो इनको ध्यान में रखते हुए वो कोई भी न्यू लॉ बनाए. और जो देश के नागरिक है, जो सिटीजन है, वो स्टेट को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि भाई आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करो, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है. इसलिए सिटीजन स्टेट को कंपेल नहीं कर सकती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करे. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं. इंट्रोडक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब इनकी विशेषताएं हम डिस्कस करते हैं. पहला इनका करैक्टरिस्टिक है, इट डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनएक्टिंग लॉज. यानी कि सीधी सीधी सी बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इस चीज को डिनोट करते हैं. ये ऐसे आदर्श हैं जो कि स्टेट को ये बात कहते हैं कि अगर आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, इनएक्ट कर रहे हो, तो आपको इनको अपने माइंड में रखते हुए उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, उस लॉ को इनएक्ट करना है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में स्टेट के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस है और रिकमेंडेशंस हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36, स्टेट की जो डेफिनेशन आपकी आर्टिकल 12 में दी गई थी, वही डेफिनेशन इस पार्ट में भी अप्लाई होगी. यानी कि पार्ट 4 में भी उसको अप्लाई किया जाएगा. यानी कि जिस राज्य के विरुद्ध, जिस स्टेट के विरुद्ध आपको फंडामेंटल राइट गिवन थे, जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई थी, वही स्टेट आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूज किया गया है. अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई स्टेट टर्म आपको मिलती है तो उसका मीनिंग वही होगा जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है. यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, वही मीनिंग स्टेट का पार्ट 4 में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अप्लाई होता है. ये बात आर्टिकल 36 क्लियर करता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेक्स्ट फीचर यह है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड थे, उनसे रिसेंबल करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शब्दों में ये बात कही है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, इनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाते थे, उनसे मिलते हैं, उनकी तरह है, उनके समान है. सिर्फ अंतर इतना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं लेजिस्लेचर के लिए एंड एग्जीक्यूटिव के लिए. थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट. यानी कि एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. और इनका एम क्या है, इनका एम है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वहाँ पर जो उच्च आदर्श प्रयुक्त किए गए हैं, जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनको ऑब्टेन करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है. दे एम्बडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा.
इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री. यानी कि इनका जो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इनका उद्देश्य है कि एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण किया जाए, ना कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेशिक काल में एग्जिस्ट करता था, जो कि कॉलोनियल एरा में एग्जिस्ट करता था. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनका जो एम है वो क्या है, इनका एम है इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की देश में स्थापना करना, इस चीज को एस्टेब्लिश करना. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये अपने नेचर में क्या है, इनकी क्या प्रकृति है, ये नॉन जस्टिसिएबल है. यानी कि अगर इनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जाकर इनको लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं करा सकते हैं. यानी कि कानूनी रूप से ये परिवर्तनीय नहीं है, कोर्ट में हम इनको लागू नहीं करवा सकते हैं. अगर हमारे किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं रेमेडी प्राप्त करने के लिए. देयरफॉर द गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम. यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो या लोकल हो, कंपेल नहीं कर सकते हैं. आर्टिकल 37 ये कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे देश के शासन के लिए महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत हैं, और इसलिए स्टेट की ये ड्यूटी है कि जब भी वो कोई लॉ बनाती है तो वो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे. लास्ट पॉइंट ये कहता है कि हालांकि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, लेकिन ये कोर्ट को किसी भी केस की, यानी किसी लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको डिटरमाइन करने में, एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात रूल की है कि किसी लॉ की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, यानी कि संवैधानिकता, उसको डिटरमाइन करने में अगर कोर्ट ये पाता है कि जो लॉ है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस लॉ को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के संबंध में रीजनेबल मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्ध कर देगा, यानी कि उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से, असंवैधानिकता से सेव कर लेगा, बचा लेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, और वो क्या है, पहली हो गई सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरे हो गए गांधीनियन प्रिंसिपल्स, एंड तीसरा हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. सबसे पहली कैटेगरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्लासिफिकेशन की सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, यानी कि समाजवादी सिद्धांत. ये ऐसे सिद्धांत है जहाँ पर सोशलिज्म आइडियोलॉजी, यानी कि समाजवादी विचारधारा को एक्सेप्ट किया गया है, जिससे जो हमारा समाज है एक वेलफेयर स्टेट बन सके. और कुछ प्रोविजंस जो हैं उनको इस कैटेगरी में डाला गया है, जैसे कि हो गए आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 है, एंड आर्टिकल 47. पहला सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आपका आर्टिकल 38. आर्टिकल 38 स्टेट को यह डायरेक्शन देता है कि स्टेट पीपल के वेलफेयर को, यानी कि जो लोगों का कल्याण है उसको प्रमोट करने के लिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के द्वारा सोशल ऑर्डर को सिक्योर करे. सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे. दूसरी चीज ये बोलता है कि जो इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, इससे रिलेटेड जो भी असमानता है, इन सब मैटर में जो इनइक्वालिटीज होती है, असमानता होती है, उसको कम किया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए. और दोस्तों, इस आर्टिकल का ये जो क्लोज है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये क्लॉज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आर्टिकल 38 में ऐड किया गया था. नेक्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 39, और आर्टिकल 39 स्टेट को यहाँ पर जो मेंशन चीजें हैं उनको सिक्योर करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. यानी कि ये आर्टिकल कहता है कि सबसे पहले स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनका लाइवलीहुड, उनकी जीविका के लिए जो उनका अधिकार है, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का, एडुकेट मींस प्राप्त करने का जो राइट है, उसको स्टेट को सिक्योर करना है. नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि कॉमन गुड के लिए, सामूहिक हित के लिए, जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज है, मटीरियल रिसोर्सेज, जो भौतिक संसाधन है,
उनका क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समान रूप से वितरण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो प्रोडक्शन है और जो वेल्थ है उसको कंसंट्रेशन से प्रिवेंट किया जाए, इट मीन्स कि उसका संकेंद्रीकरण जो है उसको रोका जाए, इस चीज को भी देखना स्टेट की ड्यूटी है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो वुमेन होती हैं, जो मैन होते हैं, उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट दी जानी चाहिए, इस चीज को भी स्टेट को सिक्योर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ है और जो हेल्थ है उसको प्रिजर्व करना स्टेट की जिम्मेवारी है, और जो चिल्ड्रन है उनका जो दुरुपयोग होता है उसको भी रोकना स्टेट की जिम्मेवारी है। और ये जो लास्ट पॉइंट है इस आर्टिकल में, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के विकास के लिए, हेल्दी विकास के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, तो ये पॉइंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आर्टिकल 39 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 39 है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आर्टिकल 39 के बाद ऐड किया गया था। और ये स्टेट को बोलता है कि स्टेट इक्वल जस्टिस को प्रमोट करे और पुअर जो होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे। नेक्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 41, ये कहता है कि राइट टू वर्क जो है, एजुकेशन पाने का जो अधिकार है, और अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट की दशा में, इन कंडीशन में, इन केसेस में पब्लिक असिस्टेंस पाने का जो अधिकार है, इस चीज को सिक्योर करना भी स्टेट की जिम्मेवारी है। आर्टिकल 42 बोलता है कि स्टेट को प्रोविजंस बनाने चाहिए फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि वर्क, अगर कोई वर्कमैन करने जाता है तो उसके लिए ऐसे कंडीशंस होनी चाहिए जो मानव उचित हों और न्यायपूर्वक हों, और मैटरनिटी रिलीफ के टाइम पर भी उन्हें कुछ रिलीफ देना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ मतलब जब प्रेगनेंसी पीरियड चलता है एक महिला का, तो उस टाइम पर कुछ उनके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 43, और ये कहता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनके लिए लिविंग वेज उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड वाली लाइफ जी सके, और उनके लिए सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये आर्टिकल 43 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 43A, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आर्टिकल 43 के बाद इंसर्ट किया गया है। ये कहता है इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के लिए कुछ स्टेप सिक्योर स्टेट के द्वारा किए जाने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45, इसका कुछ पार्ट सोशलिस्टिक है और कुछ पार्ट इसका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में फॉल होता है। जो पार्ट इसका सोशलिस्टिक है वो क्या है, वो है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि ये कहता है कि जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है, जो पोषण स्तर है, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी कि जो जीवन का स्तर है, उसको रेज करना चाहिए, उसको ऊंचा करना चाहिए, उसको ऊंचा करने के लिए स्टेट को कदम उठाने चाहिए, और साथ ही पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए भी स्टेट को कदम उठाने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट कैटेगरी है गांधीनियन प्रिंसिपल, यानी कि गांधीवादी सिद्धांत, और ये सिद्धांत गांधीनियन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता जिन्हें बोलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड थे, और ये हमारे गांधी की जो ड्रीम्स थे उनको फुलफिल करने के लिए कुछ आइडियाज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में इंक्लूड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48। पहला गांधीनियन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 40, और ये कहता है कि जो स्टेट है उसको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत जो होती है उनका गठन करना चाहिए, और उन्हें सारी जितनी भी नेसेसरी पावर्स हैं प्रोवाइड की जानी चाहिए, और ग्राम पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट के रूप में, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की जो इकाई है उसके रूप में कार्य करने की शक्ति, अथॉरिटी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43, ये कहता है कि स्टेट को कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, और या फिर इंडिविजुअली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, कुटीर उद्योग जो इंडिविजुअली ओपन किए जाते हैं, या फिर कॉरपोरेशन के द्वारा कॉटेज इंडस्ट्रीज
जो ओपन की जाती है उन्हें रूरल एरियाज में प्रमोट करना चाहिए स्टेट को। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 43 बी। ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा आर्टिकल 43 के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंसर्ट किया गया था। यह आर्टिकल कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है यानी कि सहकारी समितियां जिन्हें बोल सकते हैं, उनका वॉलंटरी फॉर्मेशन किया जाना चाहिए, स्वेच्छा से उनका गठन किया जाना चाहिए और ऑटोनोमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, उनकी स्वायत्त संचालन उनका किया जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल यानी कि लोकतांत्रिक नियंत्रण एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि व्यवसायिक प्रबंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो होता है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 46। ये कहता है कि एससी एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में, उनके लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस चीज को प्रमोट किया जाना चाहिए और उन लोगों का जो सोसाइटी में एक्सप्लोइटेशन होता है, उन लोगों के साथ जो इनजस्टिस की जाती है उससे उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस चीज के लिए भी स्टेट को कदम उठाने चाहिए, ये आर्टिकल 46 में मेंशन है। आर्टिकल 47 कहता है टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी कि ये कहता है कि जो हेल्थ के लिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, जो ड्रग्स हैं, उनका जो कंजप्शन है वो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, इसलिए उसको प्रोहिबिट, उसको रोकने के लिए स्टेट के द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। ये बात आर्टिकल 47 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 48। ये कहता है कि जो काउज होती हैं, जो काउज वगैरह होते हैं और अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल यानी कि जो दुधारू पशु होते हैं, जो गाय वगैरह होती हैं और जो बछड़े वगैरह होते हैं, इनका जो स्लाफ्टर है यानी कि जो बलि वगैरह दी जाती है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए और इनकी जो नस्लें हैं, जो ब्रीड्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये सारे आपके गांधीनियन प्रिंसिपल्स हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोवाइडेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपके लिबरलिज्म, जो उदारवादी भावना होती है, उसके ऊपर बेस्ड हैं। और इनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इनके अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51। दोस्तों पहला लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44 और ये प्रावधान करता है कि स्टेट को इस चीज़ के लिए कदम उठाना चाहिए जिससे जो हमारा देश है पूरे देश में सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सके और जो आपके पर्सनल लॉज वगैरह हैं जो कि आपके बेस्ड हैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर, उनको रिप्लेस किया जा सके और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू किया जा सके। दोस्तों गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है हमारे देश का जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45। दोस्तों आर्टिकल 45 का कुछ सब्जेक्ट मैटर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा चेंज कर दिया गया और एलिमेंट्री एजुकेशन को, जो कि 6 साल से कम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। और आर्टिकल 45 का ये जो सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो स्टेट है उसको प्रोवाइड करना चाहिए जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज होती है 6 साल से कम, उनके लिए चाइल्डहुड केयर और उनके लिए एजुकेशन, ये चीज़ें स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोविज़न है आर्टिकल 48। ये कहता है कि स्टेट को मॉडर्न एंड साइंटिफिक तरीके से जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 48A जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था और ये स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए, हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही जो हमारे फॉरेस्ट हैं यानी कि जो हमारे वन हैं और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा करने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, लॉज बनाने चाहिए और कुछ कदम उठाने चाहिए,
इसी दिशा में स्टेट ने बनाए हैं, जैसे कि आपका हो गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया, और आपका हो गया जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक हो गया आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और इसी तरह आपके हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो ये कुछ एक्ट स्टेट ने बनाए हैं जिससे क्या किया जा सके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 49, और ये बात करता है जो कि हमारे मोनूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह हो गया, जो प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जो हमारे ऐतिहासिक हित से संबंधित जो मोनूमेंट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। और ये बात कही गई है कि इनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेवारी है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि जो भी पब्लिक सर्विसेज होती है स्टेट की, उन मामलों में जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाना चाहिए। इस चीज के लिए स्टेट को कदम उठाना चाहिए। लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, जो कि कहता है कि जो इंटरनेशनल पीस है, जो सिक्योरिटी है, उसको स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, और साथ ही जो नेशंस हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए बिल्कुल जस्ट एंड ऑनरेबल तरीके से, यानी कि न्यायपूर्वक और ऑनरेबल, यानी कि जिसको बोल सकते हैं हम सम्मानपूर्वक तरीके से रिलेशंस को मेंटेन किया जाना चाहिए, और जो भी इंटरनेशनल लॉ है, जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है, उनकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, और इनक्रेज किया जाना चाहिए जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनका सेटलमेंट आर्बिट्रेशन के द्वारा, यानी कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट विवाद उत्पन्न होता है उसको आर्बिट्रेशन के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, सेटल किया जाना चाहिए। इस चीज को इनकरेज करने के लिए स्टेट को कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अब तक 4 बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। फर्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया था वो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके तहत आर्टिकल 39 में एक क्लॉज ऐड किया गया था जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 39 है, एक आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 39 के बाद, और 43 आर्टिकल जो है उसके बाद आपका आर्टिकल 43 ए जोड़ा गया था, और आर्टिकल 48 ए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसके द्वारा आर्टिकल 38 में सेकंड क्लोज ऐड किया गया था, जो क्या था कि स्टेट को कदम उठाने चाहिए कि जो इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड जो इनक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसके तहत आपका जो 45 आर्टिकल है उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया गया, और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के तहत घोषित कर दिया गया। और ये आर्टिकल में जो चेंज हुआ था वो क्या था, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट हुआ था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसके तहत आपका आर्टिकल 43B हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इस चीज को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए स्टेट ने कुछ पॉलिसीज वगैरह भी लाई हैं, जैसे कि हो गया आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे कहते हैं मनरेगा, जो कि 2005 में लोकसभा ने इनैक्ट किया था, और ये एक रोजगार गारंटी योजना है। और ये योजना क्या करती है, ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन सदस्यों को, उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जो सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। और ये जो काम पाने का अधिकार है ये आर्टिकल 41 के अंतर्गत है, और साथ ही इस योजना को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, इस योजना को अथॉरिटी मिलती है आर्टिकल 39A से, जो बात करता है जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 39G में जो दे रखा है कि चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को कदम उठाने चाहिए, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसी तरह कुछ लॉज इनैक्ट किए गए हैं, जैसे कि हो गया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये किसके लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 43A के लिए, जिससे इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो सके।
कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इनैक्ट की गई हैं, जैसे कि हो गया आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये किस चीज को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई हैं? ये लॉन्च की गई हैं आर्टिकल 47 में, जो जीवन स्तर को ऊंचा करने की जो बात की गई है और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की जो बात की गई है, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये जो डायरेक्शन है स्टेट के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए इन गवर्नमेंट पॉलिसीज को लॉन्च किया गया है। यानी कि ये जितनी भी पॉलिसीज वगैरह, जो लॉज वगैरह आपके इनैक्ट किए गए हैं, ये किए गए हैं किस लिए? उन गोल्स और उन प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए जो कि आर्टिकल 38 में प्रोवाइडेड हैं। और वो भी क्या है? क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि जिससे हमारा जो देश है एक वेलफेयर स्टेट बन सके, एक कल्याणकारी राज्य बन सके। और वो कैसे बनेगा? जो प्रेम्बल में हमें प्रोवाइडेड है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीन चीजें अगर हम अचीव कर लेंगे तो हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। और यही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के क्या उद्देश्य है, यानी कि किन ऑब्जेक्ट्स की वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को ऐड किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीम 2002 में पूछा गया था। और ये चीज मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी थी कि हमारे डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनके बारे में इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन ये कहता है कि जो तत्व है देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, यानी कि देश के सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ये व्याख्या करते हैं। दूसरा कथन है, ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, यानी कि किसी कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये दोनों ही कथन एकदम करेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों क्या है? करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन आईएएसपी 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहां पर दिया गया है, यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है? ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 एंड आईएएस प्री 2015 दोनों में पूछा गया था। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही तो बात की गई है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से इनको लिया गया है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1994 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस मेंस 2005 में भी इसको पूछा गया था। तो इसका आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक सिद्धांत है, ये क्वेश्चन आपका एमपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है कि ये क्या है? वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये ऐसे सिद्धांत है जिनके लिए हम सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो भारत का संविधान है उसके अनुसार निम्न में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है, यानी कि हमारे देश के शासन में, हमारी कंट्री के गवर्नेंस में कौन सी चीज फंडामेंटल है? तो इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने आर्टिकल 37 में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल इनकम फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये चीज भारतीय संविधान में कहां पर दी गई है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व का आर्टिकल 39D इस चीज के बारे में प्रोविजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन इस चीज को कहां पर प्रोवाइड किया गया है? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया था और इसका आंसर है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 40 आपका ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रोविजन प्रोवाइड करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है?
जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, आर्टिकल 40 ये डील करता है ग्राम पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन से। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएसपी 2014 में पूछा गया था। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, तो आप फटेक से उसका एकदम सही आंसर टिक लगा के आओगे, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो का समझ लिया होगा। दोस्तों, लास्टली मैं आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स में कुछ बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या है? ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये स्टेट को कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं। लाइक जैसे कि ये बोलते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे जेंडर के आधार पर, आप किसी की लाइबर्टी को एक्सेस करने से नहीं रोकोगे। जो सिटीजन है इंडिया के, कुछ जो राइट फंडामेंटल दिए गए हैं आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उनको आप वायलेट नहीं करोगे। लेकिन जो डीपीएसपी है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये राज्य को, ये स्टेट को कुछ चीज़ें करने के लिए कहते हैं। ये बोलते हैं कि आप ये चीज़ें करोगे, स्टेट के वेलफेयर के लिए आप ये करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डीपीएसपी हैं, ये क्या है? ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है? ये जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है तो आप कोर्ट में जाकर रेमेडी प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है, जो डीपीएसपी हैं, इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। लेकिन फंडामेंटल राइट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देश में स्थापित करना। तो दोस्तों, ये बेसिक से डिफरेंस है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरा हार्डवर्क आपको पसंद आता है और आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड की सहायता से पेटीएम के थ्रू मुझे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्कैन करना है और उसके बाद आप पेटीएम के थ्रू मुझे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, YouTube से मुझे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊं, इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बना रही हूं, उसको कंटिन्यू रखूं, तो आप इस QR कोड की सहायता से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आती रहूं। और जो भी बंदा मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, उसका नाम भी मैं वीडियोज़ में शो करूँगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।